हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी स्वागत करता है कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। हमारा जो पिछला वीडियो था वो था फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट वन। फॉर्मूला एडजस्टमेंट पार्ट वन जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले देख लीजिए, एग्जैक्टली इस वीडियो के पहले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसी के साथ ही आज का वीडियो कनेक्टेड है। तो वो था फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट वन, आज है देखिए फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट टू। पिछला वीडियो देखने के बाद ये समझ में आएगा, अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं ये उम्मीद रखता हूं, ये सोचते हुए एज्यूम करते हुए कि आपने इसके पहले का पार्ट वन देख लिया है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज का वीडियो का हेडिंग है फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट टू, और ये जो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है तीन चीजों के बारे में, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड आरएफडीसी। क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड आरएफडीसी, ये तीन चीजों के बारे में है। और ये तीन चीजें पहले हम समझ लेना, पहले तीनों का मीनिंग तो आ जाए समझ में, है ना। तो पहले तीनों का मीनिंग समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तीनों का मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट, क्रेडिटर। पहला सवाल कि क्रेडिटर कौन, तो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेटर इज क्रेडिटर। डेटर कौन, जिससे हमें पैसा लेना है, तो क्रेडिटर कौन, जिसको हम पैसा देंगे। सो क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम सर्टन अमाउंट इज पेबल। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम सर्टन अमाउंट इज पेबल, मतलब वो पर्सन जिससे हमने गुड्स खरीदा है लेकिन हमने उसको कहा पेमेंट बाद में करेंगे, मतलब वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम हिम बट वी हैव नॉट मेड द पेमेंट, तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर हो गया। उसको सप्लायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सप्लायर। सो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम सर्टन अमाउंट इज पेबल, रिमेंबर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेटर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं पिछला वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आएगा, वहां पे डेटर था यहां पे क्रेडिटर, अपोजिट ऑफ डेटर इज क्रेडिटर। अगला टर्म है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज द अपोजिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड वो है जो हम डेटर्स को देते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव वो है जो हमें क्रेडिटर्स से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके क्रेडिटर्स को पे करना है 50,000 रुपया, लेकिन आपके क्रेडिटर्स कहते हैं चलो आपको 5,000 का डिस्काउंट दिया। आपके क्रेडिटर्स ने आपको 5,000 का डिस्काउंट दिया, यानी आप कितना पे करोगे, 45,000। तो आपके क्रेडिटर्स ने कितना रुपया कम किया, 5,000। जो 5,000 रुपए आपके क्रेडिटर्स ने कम किए वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव। सो हमारे क्रेडिटर्स जब हमें जो जितना पैसा हमें उनको देना है उससे थोड़ा कम करते हैं, तो वो जो कम किया हुआ अमाउंट है इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव, एन अलाउंस रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि हम उनको जल्द से जल्द पैसा दें। हमारे क्रेडिटर्स को हम जितना जल्दी पैसा देंगे उतना हमको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट इज अलाउड टू द डेटर्स एंड डिस्काउंट इज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स, अपोजिट। और एक टर्म आरएफडीसी। सबसे पहले आरएफडीसी का फुल फॉर्म देखिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। वहां पे था पिछले वीडियो में था आरएफडीडी। आरएफडीडी का फुल फॉर्म था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसका अपोजिट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आरएफडीसी, समझे। अब इसका मीनिंग क्या है, रिजर्व क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स इन फ्यूचर। अभी मैंने किसका मीनिंग बताया आपको, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का मतलब वो डिस्काउंट जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, 50,000 आपको देने थे, क्रेडिटर्स ने आपको कितना डिस्काउंट दे दिया, 5,000, तो अभी कितना पे करना है, 45। अब 45 जो बचे ना, आपको उम्मीद है कि जो 45,000 के क्रेडिटर्स है शायद उसमें से एक आध क्रेडिटर और आपका 1-2 हजार रुपया कम कर सकता है इन फ्यूचर। सो वी एक्सपेक्ट कि थोड़ा और कम हो सकता है फ्यूचर में, तो उसका हम प्रोविजन करते हैं, उसको कहते हैं आरएफडीसी। सो डिस्काउंट रिसीव्ड यानी वो डिस्काउंट जो ऑलरेडी मिल चुका है, हमारी इनकम के रूप में हम उसको कमा चुके हैं, लेकिन वो डिस्काउंट जो फ्यूचर में मिल सकता है उसके बारे में हम पहले ही सोच के रखते हैं, उसको कहते हैं आरएफडीसी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मीनिंग लिखा है रिजर्व क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स इन फ्यूचर, मतलब जो क्रेडिटर्स से भविष्य में डिस्काउंट मिलने वाला है उसका हम पहले से ही रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, उसको कहते हैं आरएफडीसी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये तीनों टर्म समझ में आना चाहिए। पिछले वीडियो से तो आज का वीडियो छोटा है, पिछले वीडियो में तो हमने 5 चीजें सीखी थी, आज तो सिर्फ 3 ही है। पिछले वीडियो में क्या था याद दिलाऊ, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी और डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी, लेकिन आज तो 3 ही है, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और आरएफडीसी, ठीक है। ध्यान दीजिए, तीनों का मीनिंग समझ में आ गया। और एक और बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि रिजर्व के बदले कभी कभी क्या बढ़ा सकता है, प्रोविजन, रिजर्व के बदले प्रोविजन आ सकता है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, समझे। तीनों का मीनिंग समझ गए, चलिए अभी आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर।
अगर ये तीनों को लेकर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये तीनों आपको दिखाई दे, कहां दिखाई दे ध्यान देना, एक तो ट्रायल बैलेंस में और दूसरा दिखाई दे एडजस्टमेंट में। सो ये तीनों ट्रायल बैलेंस में भी हो सकते हैं और ये तीनों एडजस्टमेंट में भी हो सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में भी ये तीनों है और एडजस्टमेंट में भी ये तीनों है तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों एक ही प्रॉब्लम में आए, एक आ सकता है, दो आ सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में, हम ये अज्यूम करके पढ़ते हैं कि सब कुछ आएगा तो वो हमको आना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि तीनों, जो तीनों आइटम्स, कौन सी तीनों फिर से बताइए, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव और RFDC, ये तीनों ट्रायल बैलेंस में भी दिख रही है और एडजस्टमेंट में भी दिख रही है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तीन आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में दिखने वाली है उनको क्या कहेंगे और उनके लिए क्या साइन यूज करना है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा प्लीज, मैं बार बार पिछला वीडियो बोल रहा हूं, इसका कारण, इसका रीजन है कि उसको देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसके पहले वाला वीडियो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स Part 1, उसमें हमने जो चीजें यहां पर लिखी थी वो 5 ट्रायल बैलेंस की आइटम्स थी और 5 एडजस्टमेंट्स की, और उनको हमने नंबर दिया था Star 1 to 10। सो देर वर Star 1 2 3 4 5 और Star 6 7 8 9 10, मतलब पिछले वीडियो में 10 स्टार्स के बारे में हमने सीखा है, तो 10 स्टार्स के बाद आज हमारे जो स्टार्स है वो आगे बढ़ेंगे, 10 के बाद Star 11, Star 12, Star 13 और देखिए Star 14 15 एंड 16। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं इसका लिंक पिछले स्टार से है, तो पिछले वीडियो में 10 स्टार्स में हमने खत्म किया था, 10 के बाद कहानी आगे बढ़ रही है, 11 12 13 14 15 16। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जिन तीन आइटम्स के बारे में मैंने आपको कहा अभी वो कहां हो सकती है, वो ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है और एडजस्टमेंट में भी हो सकती है, तो पहले इनको लेकर कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये तीनों आइटम्स ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रही है, कौन सी तीन आइटम्स, एक बार फिर से, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और RFDC, मीनिंग अभी मैंने आपको समझा दिया, अगर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रही है तो उनको हम कहेंगे ओल्ड, यानी ओल्ड क्रेडिटर्स, ओल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड और ओल्ड RFDC, ओल्ड क्रेडिटर्स, ओल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ओल्ड RFDC, और उसका एक ही इफेक्ट होगा, मतलब ये तीनों अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे तो इन तीनों को आप जब प्रॉब्लम में भेजोगे, कहीं भी सॉल्व करोगे तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं कि एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। तो ये तीनों आइटम्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिए, कौन सी तीनों, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड RFDC, दे विल बी कॉल्ड एज ओल्ड एंड दे विल हैव ओनली वन इफेक्ट। और यही तीनों अगर एडजस्टमेंट्स में दिए, कौन से तीनों, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड RFDC, they will be called as new and they will have two effects. Why one effect here? Because every item of trial balance has one effect, every adjustment has two effects. वो मैं अभी आपको बताता हूँ, one effect क्या होगा, two effects क्या होगा। और जो ऊपर के तीन है जो कि ओल्ड है और किसकी आइटम है, ट्रायल बैलेंस की, और जिसका कितना इफेक्ट होगा, वन, उसके लिए नंबर हमने देखे रखे हैं Star 11 12 एंड 13, और ये जो नीचे तीन है सेम तीन, उसके लिए Star 14 15 एंड 16, जो कि एडजस्टमेंट में दिया होगा, जिसको न्यू कहेंगे और जिसके टू इफेक्ट्स है। सबसे पहले इतना समझ लीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पूरा अब तक जो बताया उसको देखिए, थोड़ा रुकता हूं मैं, उसके बाद ये तीन और तीन, ये सिक्स का मैं आपको यहां पर इफेक्ट बताता हूं, प्लीज रिवाइज कर लीजिए, मैं आ रहा हूं वापस। देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया, ओके, आई बिलीव यू कि आपने पिछला वीडियो भी देखा और अभी जो मैंने कहा रिवाइज करने के लिए आपने रिवाइज किया, ठीक है। अब ये तीन और तीन, ये छह जो चीजें हैं उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉब्लम में सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये तीन और तीन छह है, इन छह का इफेक्ट होने जा रहा है दो स्टेटमेंट पे, पिछले वीडियो का अपोजिट, स्टेटमेंट्स वही है लेकिन साइड अपोजिट। ये जो आज हम सीखेंगे वो प्रॉब्लम में दो स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, एक अफेक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक अफेक्ट करेगा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड, इनकम साइड किससे शुरू होगी, बाय से, और एक अफेक्ट करेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो पिछला वीडियो किसको अफेक्ट कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को और बैलेंस शीट असेट साइड को, लेकिन ये किसको अफेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो स्टार साइन है ना उसका रेफरेंस लीजिए, आपको समझ में आएगा पक्का, आई गिव यू द गारंटी। ऊपर के तीन जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो पहले ऊपर तीन के बारे में ध्यान से इफेक्ट होगा, ऊपर के तीन आइटम्स को हम कहेंगे ओल्ड और उनका कितना इफेक्ट होगा, वन, प्लीज पे अटेंशन।
एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स. कीप इन माइंड ऑलवेज दिस रूल, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. तो पहले ट्रायल बैलेंस की इन तीन आइटम्स को हम भेजने वाले हैं. दो ही स्टेटमेंट में जाएगा, अभी मैंने कहा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड या फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सबसे पहले यहां से लेते हैं क्रेडिटर्स, स्टार 11. ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स, तो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिटर्स दिख रहा है वो कहां जाता है, आप सबको पता होगा, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी. देखिए पहले ये तीनों को भेज रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के तीन आइटम्स, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड आरएफडीसी. क्रेडिटर्स जो दिया होगा ट्रायल बैलेंस में वो जाता है यहाँ पे, देखिए बैलेंस शीट किधर, लायबिलिटी साइड. देखिए स्टार 11, स्टार 11 क्रेडिटर्स कौन सा, ओल्ड ट्रायल बैलेंस. मान लो अमाउंट दिया है 40,000, ट्रायल बैलेंस में हमने क्रेडिट साइड पे देखा था क्रेडिटर्स 40,000 और उसको हमने सबसे पहले कहा लिखा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सबसे पहली आइटम क्रेडिटर्स ओल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस अमाउंट 40,000 हो गया. इसका क्रेडिटर्स का पोस्टिंग एक ही इफेक्ट होगा बिकॉज इट इज द आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस. उसके बाद नंबर टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, डिस्काउंट अलाउड अगर एक्सपेंस है तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इसलिए वो जाएगा यहां पर. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरफ, क्रेडिट साइड सबसे पहला. नंबर ट्वेल्व क्या है, डिस्काउंट रिसीव बाय डिस्काउंट रिसीव ओल्ड कहां पे दिया था ट्रायल बैलेंस में, अमाउंट कितना था 3,000. ये जो अमाउंट है ये हमने अज्यूम किए हुए, प्रॉब्लम में जो आएगा वो हम देख लेंगे. बोलो फिर से, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटीज, डिस्काउंट रिसीव्ड गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. ये दोनों को भेज दिया एक एक जगह पे, क्योंकि आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस है एक एक जगह पे जाएगा, एक एक जगह पे ही जाएगा. और तीसरा आरएफडीसी जिसका फुल फॉर्म ये रहा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. ये जो आरएफडीसी है, एक और बात देखिए आप, क्रेडिटर्स और डिस्काउंट रिसीव ये दोनों ट्रायल बैलेंस में कहां दिए होंगे, क्रेडिट साइड. लेकिन ये आरएफडीसी ट्रायल बैलेंस में कहां दिया होगा, डेबिट साइड. जब प्रॉब्लम आएगा देखना, पक्का गारंटी. ये दोनों ऊपर के दोनों क्रेडिटर्स और डिस्काउंट रिसीव ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे अपियर करेंगे, और ये आरएफडीसी किधर दिखाई देगा आपको, डेबिट साइड. उसको क्या करना है, जो बात पिछले वीडियो में बताई थी वही बता रहा हूं. पिछले वीडियो में दो रिजर्व्स थे, आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. मैंने कहा था कि उसको पोस्ट मत कीजिए, फिलहाल के लिए उसको रख दीजिए पॉकेट नंबर 1 में, याद कीजिए पिछला वीडियो. दूसरा था आरएफडीडी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. मैंने कहा था कि उसको भी पोस्ट मत कीजिए, उसको रख दीजिए पॉकेट नंबर 2 में. अब आज क्या है, आरएफडीसी मैं ये कह रहा हूं कि उसको भी पोस्ट मत कीजिए, फिलहाल पोस्ट करना है लेकिन फिलहाल हमको दो ही पोस्टिंग करनी है. कौन सी, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी एंड डिस्काउंट रिसीव गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. लेकिन आरएफडीसी का पोस्टिंग अब नहीं करना है, उसको रख दीजिए पॉकेट नंबर 3 में. कीप इट इनटू द पॉकेट नंबर 3. आप सोचेंगे इतने सारे पॉकेट्स कहां से लाऊंगा. बच्चों पॉकेट में रखना नहीं है जस्ट फॉर फन, मैंने कहा ना ये एक यूनिक पैटर्न हमने तैयार किया, यानी फिलहाल उसको पोस्ट मत कीजिए, कहीं भी रखिए पॉकेट ना सही, उसको बैग में रख दीजिए, कंपस बॉक्स में रख दीजिए. मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हमें उसको पोस्ट नहीं करना है. तो 3 में से 2 की पोस्टिंग हो गई, क्रेडिटर्स कहां गया, लायबिलिटीज डिस्काउंट रिसीव कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. लेकिन आरएफडीसी कहां गया, जेब में, पॉकेट नंबर 3. हमने नंबर दे रखे हैं आरडीडी पॉकेट नंबर 1, आरएफडीडी पॉकेट नंबर 2 और आरएफडीसी पॉकेट नंबर 3. आपको एक लिंक मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, ये तीनों को भेज दिया. लेकिन ये हमारे जेब में याद रखे, उसका मैं इफेक्ट आपको बाद में देता हूं. तो सबसे पहले इन तीनों आइटम्स की पोस्टिंग करते हैं. अब अगर यही तीनों आपको कहां पे दिखाई दे, एडजस्टमेंट्स में, तो उनको हम कहेंगे न्यू. लेकिन उसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2. अगर यही तीनों कहां दिखाई दे, एडजस्टमेंट्स में, उसको कहेंगे न्यू, उसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2. तो उसमें भी पहला नंबर क्या है, क्रेडिटर्स. ये देखिए नंबर 13 मेरे जेब में है, तो नंबर 14 यहां पर क्रेडिटर्स. ये जो क्रेडिटर्स है ना, इसके 2 इफेक्ट्स ध्यान से देखिए. पहला, ये जो क्रेडिटर लिखा ना, क्रेडिटर्स ओल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि ये पुराना क्रेडिटर्स है और ये नया क्रेडिटर्स. तो ओल्ड क्रेडिटर्स में न्यू क्रेडिटर्स ऐड होगा या लेस, वो हम देख लेंगे प्रॉब्लम है. जैसे आपको याद है पिछले वीडियो में, ओल्ड डेटर्स में न्यू डेटर्स ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है. तो वैसे ही ओल्ड क्रेडिटर्स में ये न्यू क्रेडिटर्स जो कहां दिया होगा एडजस्टमेंट में, वो क्या हो सकता है, एड और लेस. इसके एग्जाम्पल है अनरिकॉर्डेड परचेजेस. पिछले वीडियोस हमने बनाया, अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर्स, तो उसमें क्रेडिटर्स बढ़ता है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे. पिछले वीडियो हमने बनाए थे अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स, उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न्स, तो उसमें हम क्रेडिटर्स में से लेस करते हैं. जब क्रेडिटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा. अगर उस एंट्री में क्रेडिटर क्रेडिट है तो यहां पर ऐड करो, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट होता है, उसको जितना क्रेडिट दोगे बढ़ेगा, और डेबिट है तो लेस. तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट, न्यू एडजस्टमेंट जो ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है. और उसके लिए एग्जांपल लिखे अनरिकॉर्डेड परचेजेस, परचेज रिटर्न, और भी 3-4 एंट्रीज है जो हमने 40 एडजस्टमेंट सीखी है ना, उनमें क्रेडिटर्स की एंट्री है. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा.
उसको ऐड भी कर सकते हैं लेस, लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम किया ऐड, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, समझ गए। तो जो क्रेडिटर्स ओल्ड है उसमें सबसे पहले ये नया क्रेडिटर्स क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ये कहाँ पे दिया है, क्रेडिटर एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट होने चाहिए, टू, लेकिन एक इफेक्ट तो यहाँ ऐड हो गया या लेस हो गया, दूसरा इफेक्ट यहाँ दिख नहीं रहा है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या पीसी पार्टनर्स कैपिटल और करंट में या कहीं और, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट नहीं होने वाला, इसलिए वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। हम दो ही स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। तो जो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है वहां पर इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, लेकिन सेकेंड इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम आएगा, समझ लेंगे, डोंट वरी। आप फिलहाल याद कीजिए कि न्यू क्रेडिटर्स को क्या करो, ओल्ड क्रेडिटर्स में ऐड करो या लेस करो प्रॉब्लम के हिसाब से, और ऐड लेस करने के बाद आपको मिलेगा एक्चुअल क्रेडिटर, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहीं भी होगा, होगा पक्का, हो गया ना क्रेडिटर्स। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, ये कौन सा डिस्काउंट रिसीव है, ओल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस, तो ये कौन सा डिस्काउंट रिसीव है, न्यू एज पर एडजस्टमेंट। इसके दो इफेक्ट होंगे, देखिए अब ओल्ड क्रेडिटर्स में न्यू क्रेडिटर्स हमने ऐड किए तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हो गए, 50,000। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट में पता चला कि हमारे जो 50,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमको और 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब हमारे क्रेडिटर्स ने हमसे कहा ठीक है 50 देने, हम किसी एकाध क्रेडिटर ने कहा 2,000 रुपए मुझे कम देना, तो हमको और डिस्काउंट मिला, नया डिस्काउंट, उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव। कौन सा, न्यू, जो कहां पे दिया होगा, एडजस्टमेंट में, और उसके कितने इफेक्ट्स होने जा रहे, दो। देखिए एक इफेक्ट तो यहां पर क्रेडिटर्स में से लेस हो गया, कितने क्रेडिटर्स थे हमारे 50,000, और ताजा डिस्काउंट कितना मिला 2,000, तो उसमें से ये लेस होता है, ध्यान से देखिए नंबर 15 डिस्काउंट रिसीव न्यू जो एडजस्टमेंट में दिया होगा 2,000 लेस करो कितने हो गए क्रेडिटर्स 48। लेकिन इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट तो यहाँ क्रेडिटर्स में से लेस हो गया, और दूसरा देखिए ऊपर यहाँ पर एड हो गया, ये जो ऊपर डिस्काउंट रिसीव है ओल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस कितना था 3,000, जो हमने ये लिखा था ये वाला 3,000, उस डिस्काउंट रिसीव के अंदर ये नया डिस्काउंट रिसीव एड कर दो तो 3+2 कितना हो गया 5,000। तो जो डिस्काउंट रिसीव दिया होगा कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, उसका एक इफेक्ट देखिए क्रेडिटर्स में से लेस और ऊपर डिस्काउंट रिसीव में है, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड ऐड टू डिस्काउंट रिसीव, क्लियर, दो इफेक्ट्स। और तीसरी आरएफडीसी, ये भी सेम इसी की तरह इसका इफेक्ट है, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव समझ में आए तो आरएफडीसी भी कौन सा है, न्यू, कहां पे दिया, एडजस्टमेंट में, कितने इफेक्ट होंगे, तो देखिए इसका भी इफेक्ट यहां पर होगा, 50 में से 2,000 लेस किए कितना हो गया 48,000। अब हमको ऐसा लगता है कि जहां 2,000 का डिस्काउंट हमको मिला है वहां पे इन फ्यूचर हमको और भी डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब वी स्टार्ट अज्यूमिंग के इन फ्यूचर हमको और भी डिस्काउंट मिल सकता है, और उसका हम पहले से इंतजाम करके रखते हैं प्रोविजन, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स या फिर आरएफडीसी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो हमने अज्यूम किया कि हमको 48 में से और कितने का डिस्काउंट मिल सकता है 3,000, वो प्रॉब्लम में दिया होगा, परसेंटेज अमाउंट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, और उसको हमने देखिए और भी लेस किया। तो जब आरएफडीसी हम अज्यूम करते हैं तो वो भी हमारे क्रेडिटर्स को कम करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रेडिटर्स जब हमको डिस्काउंट देते हैं या हम वो डिस्काउंट अज्यूम करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि क्रेडिटर्स कम हो जाता है। इसलिए देखिए ये और ये दोनों क्रेडिटर्स में से कम हुए और डिस्काउंट रिसीव में ऐड हो गया। आरएफडीसी न्यू एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स में से लेस किया, और ये सेम देखिए ये रहा आरएफडीसी न्यू डिस्काउंट रिसीव में ऐड हो गया। डिस्काउंट कितना था अब तक 5,000, और ये 3,000 देखिए नीचे से लेस किया ऊपर ऐड किया, इसके पहले ये 2,000 नीचे से लेस ऊपर ऐड। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये दोनों क्रेडिटर्स में से लेस हो रहे हैं और ऊपर डिस्काउंट रिसीव में ऐड, क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहा है, क्रेडिटर्स हमको जितना डिस्काउंट देंगे क्रेडिटर्स कम होगा और हमारी इनकम बढ़ेगी, तो इसलिए दोनों नीचे से लेस होते हैं और ऊपर ऐड, ध्यान से देख लीजिए। तो आरएफडीसी और 3,000 लेस करके ये हमारे फाइनल क्रेडिटर्स जाएंगे आउटर में, यानी सब कुछ काट को के। एक हिसाब था कि 40,000 हमारे पुराने क्रेडिटर्स थे और नए क्रेडिटर्स बढ़ गए 10 के, कितने हो गए 50, उसमें से हमको 2,000 का डिस्काउंट मिला और 3,000 का डिस्काउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस तरह से ये लेस करके हमारे फाइनल क्रेडिटर्स कितने हैं 45,000। ऊपर आते हैं, एक चीज अभी भी जेब में है, पॉकेट नंबर 3 में, भूलना नहीं, पॉकेट नंबर 3 में क्या रखा है आरएफडीसी, उसका इफेक्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन ये यहां पर आउटर, ये कंप्लीट हो गया। ऊपर पुराना डिस्काउंट था उसमें हमने ये नया 2,000 का डिस्काउंट ऐड किया कितना हो गया 5,000, और ये आरएफडीसी 3,000 ये भी ऐड किया कितना हो गया 8,000। अब जिसको जेब में रखा है उसको बाहर निकालो, किसको जेब में रखा है आरएफडीसी जो कि डेबिट साइड पे होगा, जो कि कहां दिया होगा ट्रायल बैलेंस पर, उसको हम कहेंगे ओल्ड, उसका कितना इफेक्ट होगा 1, उसको कर दीजिए यहां से लेस। देखिए मैंने क्या लिखा है लेस, लेस के लिए *13 आप स्टार का रेफरेंस लीजिए, *13 क्या है आरएफडीसी जो कि डेबिट साइड पे होगा। अब ये फॉर्मूला हम किधर अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और ये आरएफडीसी कहां दिया होगा डेबिट साइड, तो अगर जो डेबिट साइड पे उसको आप क्रेडिट साइड भेजोगे तो ऐड होगा कि लेस होगा,
लेस होगा, क्योंकि जो डेबिट है उसको आप क्रेडिट में भेजोगे तो लेस ही होगा। इसलिए देखिए लास्ट में यहाँ पर लेस हो रहा है, ये ठीक इधर आ गया। आरएफडीसी जो कि डेबिट में होगा यहाँ से लेस करेंगे, ओल्ड ट्रायल बैलेंस उसका अमाउंट अज्यूम किया 4000, तो 8 में से 4 गया आउटर में गया 4000, फाइनल डिस्काउंट का अमाउंट 4000, समझे। तो ये तीनों आपको कहाँ दिए हैं ट्रायल बैलेंस में और तीनों कहाँ दिए एडजस्टमेंट में, तो उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे वो आता है फॉर्मूला एडजस्टमेंट पार्ट टू एंड दे आर रिलेटेड टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट रिसीव्ड इन आरएफडीसी। लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ये नीचे जो लिखा है वो मैं आपको एंड में बताता हूं क्या है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, बाद में बताऊं, लेकिन अब तक जितना हो उसको फटाफट रिवाइज कर ले। सबसे पहले तीनों का मीनिंग, क्रेडिटर्स कौन, पर्सन टू हुम वी हैव टू पे सम मनी, सो पर्सन टू हुम सर्टन अमाउंट इज पेबल, क्योंकि हमने उससे उधारी में गुड्स खरीदा पैसा नहीं दिया, सो वी हैव टू पे टू देम, सो ही इज आवर क्रेडिटर, उसको सप्लायर भी कहते हैं, याद रखिए। और वही क्रेडिटर जितना पैसा हम उसको देने वाले हैं, जितना पैसा हम देने वाले हैं उन पैसों में से कुछ पैसा कम कर देता है, यानी हमको डिस्काउंट देता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है, एन अलाउंस रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो हम उनको जल्दी पैसा देते हैं तो जितना पैसा देना है उससे कम कर देते हैं, तो वो हमारा फायदा है, हमारी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम, रिमेम्बर, एंड क्रेडिटर इज द लायबिलिटी। और आरएफडीसी मतलब वो डिस्काउंट जो मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, ऐसा सोच के हम उसका पैसा पहले से ही काट लेते हैं, पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड आरएफडीसी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एंड इट इज रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम क्रेडिटर्स। रिजर्व के बदले क्या बढ़ा सकता है, प्रोविजन। ये तीनों को समझने के बाद ये तीनों कहां हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी और एडजस्टमेंट में भी। पहले किसको इफेक्ट दोगे, ट्रायल बैलेंस की तीन आइटम्स का, बाद में एडजस्टमेंट की तीन आइटम्स का। ट्रायल बैलेंस की तीन आइटम है, सबसे पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी साइड। नंबर टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नंबर थ्री आरएफडीसी फिलहाल के लिए गोज इनटू द पॉकेट नंबर थ्री, यानी इसका इफेक्ट नहीं दिया। बोलो फिर से, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बट आरएफडीसी गोज इनटू द पॉकेट। तीनों का एक एक इफेक्ट देना याद रखे, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। और ये तीनों एडजस्टमेंट में आता है, पहला क्रेडिटर्स, इसका एक इफेक्ट ऐड भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, अगर क्रेडिटर क्रेडिट है तो ऐड करो, डेबिट है तो लेस, हमने अज्यूम किया ऐड तो हमने ऐड कर दिया, क्रेडिटर्स बढ़ गया। और सेकेंड इफेक्ट इसका होगा जो यहां पर दिख नहीं रहा है, सेकेंड इफेक्ट वुड बी एनीवेयर, विल सी टू इट इन द प्रॉफिट। तो क्रेडिटर्स के दो इफेक्ट हो गए, सबसे पहले क्रेडिटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे ऐड करो या लेस करो, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, देखिए यहां से लेस, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड ऊपर ऐड हो गया, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स ऐड टू डिस्काउंट रिसीव, यहां से कम यहां पे ऐड। और आरएफडीसी भी देखिए यहां से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस और ऊपर है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड और आरएफडीसी जो दोनों न्यू है एडजस्टमेंट में दिए होंगे वो दोनों क्रेडिटर्स में से लेस होते हैं और ऊपर ऐड होते हैं। और फिर जो फाइनल आंसर है वो तो आउटर में चला गया, लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज बाकी है, जेब में रखा था किसको, आरएफडीसी, वो कहां दिया था, डेबिट में, अप्लाई कहां कर रहे हैं, क्रेडिट में, इसलिए उसको लेस करो, लेस आरएफडीसी ओल्ड, लेस करके जो फाइनल आंसर है वो गया आउटर में। अब आपको क्या करना है, इसके पहले का वीडियो और ये एक साथ रख के पूरा दोनों वीडियो ध्यान से देखने तो आपको पूरे फॉर्मूलाज पार्ट वन पार्ट टू समझ में आ जाएंगे। देखो है बात यह है कि जितना भी पार्ट वन पार्ट टू में है वो एक प्रॉब्लम में एक साथ तो आता ही नहीं है, लेकिन हम जब वो पूरा पार्ट वन पार्ट टू माइंड में बिठा देंगे तो उसमें से प्रॉब्लम में जो भी आएगा वो आपको समझ में आएगा। और आप लोग के पास वीडियोज है, जब जहां पे डाउट रहेगा आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उसमें जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, सवाल ही नहीं कि आपको समझ में नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद हम शुरू करते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हमारा जो अगला वीडियो है, द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अब हम प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। आप सोचिए प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें उसके पहले हम लोगों ने 21 वीडियो बनाए फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स, ये 21 आज का पार्ट 21 है, देख लीजिएगा आप लोग, सर्च कीजिएगा, आज का जो चैप्टर 1 का है वो पार्ट 21, 21 वीडियो SYJC वाले, हालांकि ये जो भी है आज भी पढ़ा है वो भी FY SYJC कॉमन है, लेकिन 12वीं वाले खास, उनके हमने जो 21 वीडियो हम ऑलरेडी 12वीं के बना चुके हैं, या 11वीं के भी हमने जो वीडियोस बनाए वो भी कम से कम 14-15 वीडियो बन चुके हैं, उनको सीखने के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, सोचिए। तो जब तक वो पिछले वीडियो अपने ध्यान से नहीं देखोगे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अगला वीडियो पक्का हमारा होने वाला है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लेकिन आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सबको कंपलसरी, भले ही अगला वीडियो देखने से पहले 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिए और मैं जो होमवर्क दे रहा हूं उसको करना है। तो आज का होमवर्क है, अब आज और आज के बाद के वीडियोस के एंड में, हर वीडियो के एंड में ना सही लेकिन बीच बीच में आपको होमवर्क देते रहूंगा, आपको
बताते जाऊंगा कि अगला वीडियो जो होगा उसके पहले आपको ये होमवर्क करना है, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज का होमवर्क, होमवर्क ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है होमवर्क बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में? सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू डू द होमवर्क बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। वो क्या है? वो है यू मस्ट वॉच दीज वीडियोज फुल्ली। ये पांच वीडियोस आप सबको ध्यान से देख रहे हैं फुल्ली। ऐसा नहीं कि सर ने बोला है तो चलो स्टार्टिंग में दो तीन मिनट देख लेंगे, पूरा स्टार्ट टू एंड यू हैव टू वॉच ऑल दीज फाइव वीडियोस फुल्ली, उसके बाद ही अगला वीडियो समझ में आएगा। और वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट या नहीं है बच्चों, समझ में आ जाएगा। आप ऑलरेडी पहले देख चुके, आपके माइंड में फिक्स होगा। पहला वीडियो है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देख लीजिए, उसमें पूरा ट्रेडिंग की जानकारी जो कि FYGC SYGC दोनों को देखना है। दूसरा वीडियो है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी FY और SYGC वालों के लिए कॉमन है, अपने अलग अलग वीडियो है लेकिन दोनों को अपने अपने वीडियोस देखने हैं। लेकिन तीसरा जो है वो सिर्फ SYGC वालों के लिए, वो FYGC वालों को नहीं है, वो है फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल एंड करंट अकाउंट, वो बारहवीं वाले देखे, FYGC वालों को तो वो है ही नहीं, ठीक है। चौथा वीडियो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज अगेन कॉमन फॉर 11th एंड 12th दोनों को देखना है। और सबसे आखिर में स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 11वीं के अलग 10 स्टेप्स है, 12वीं के अलग 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो जरूर देखिए। क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अगले वीडियो में तो आपको 10 स्टेप्स आने चाहिए और ये जितने भी फॉर्मेट्स है वो आने चाहिए। उसके बाद फिलहाल एडजस्टमेंट्स के वीडियोज नहीं देखेंगे, अगला वीडियो देखने से पहले चल जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स के 40 एडजस्टमेंट्स देखने ही नहीं है, वो कब देखना है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। सो प्लीज फॉलो माय गाइडलाइंस, आई अश्योर यू टू गेट फुल मार्क्स, फुल नॉलेज, फुल सक्सेस इन योर लाइफ। प्लीज जो होमवर्क दिया उसको करना है, ओके? तो अब अगला वीडियो जब भी आए, एक दिन दो दिन बाद, लेकिन आप ब्रेक ले लीजिए दो तीन दिन का और ये सब देख लीजिए। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बाय, गॉड ब्लेस यू।